subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में उनके अथक प्रयासों से चहुमुखी विकासकर्ता उत्तराखंड नरेश बंसल देहरादून राज्य स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन समिति उत्तराखंड के उपाध्यक्ष नरेश बंसल ने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं से विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि 3.5 सालों में जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है। अटल आयुष्मान कार्ड में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज सबके लिए सुनिश्चित कर सरकार ने सभी को एक सौगात दी है, जिसका लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। कोरोना काल में मुफ्त अनाज वितरण के प्रभावशाली ढंग से कर प्रदेश सरकार ने किसी भी व्यक्ति को भुखमरी से पीड़ित नहीं होने दिया, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री को जाता है। कोरोना से लॉकडाउन के बाद अब लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र के सहयोग से की विभिन्न योजनाओं के लिए राशि मिल रही है, जिसे उन योजनाओं में उपयोग किया जा रहा है और समय समय पर इन योजनाओं की समीक्षा भी की जा रही है। तेजी से ये योजनाएं पूर्ण हो रही हैं। प्रदेश में स्मार्ट सिटी का कार्य तेजी से हो रहा है। आने वाले कुछ समय में देहरादून हरिद्वार सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होंगे। पलायन को रोकने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ प्रदेश की जनता ले रही है। इसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है, साथ ही साथ नौकरियां भी जारी की जा रही हैं, जिनका प्रदेश के युवाओं को लाभ मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह, रिवॉल्विंग फंड स्वयं सहायता समूह तथा सामुदायिक निवेश फंड प्राप्त स्वयं सहायता समूह के साथ लघु सिंचाई सिंचन क्षमता सृजन, ICDS आंगनबाड़ी संचालन, वृक्षारोपण तथा किसानों को बिजली हेतु पंप सेटों का ऊर्जीकरण योजनाओं में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। अहमद कादरी की रिपोर्ट।